डलहौजी विधानसभा के राजकीय महाविद्यालय तेलका में अपनी मांगों को लेकर एबीवीपी छात्र संगठन द्वारा अपने आंदोलन को उग्र रूप देते हुए तालाबंदी की गई। महाविद्यालय तेलका एबीवीपी इकाई अध्यक्ष अभिलाष शर्मा ने कहा कि उनकी मुख्य मांगे हैं कि महाविद्यालय का जल्द भवन बनवाया जाए, यहाँ तैनात प्रोफेसरों को प्रतिनियुक्ति पर न भेजा जाए, महाविद्यालय में रिक्त चल रहे प्रोफेसरों के पदों को जल्द भरा जाए। उन्होंने कहा अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा ना किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। हिमाचल तेज खबर के लिए तेलका से अशोक आर्य। हमारी पहली मांग तो ये है कि पिछले जो एक साल से जो है हमारी उच्च निदेशक जो है हमारे जो डेपुटेशन लगती है मतलब कौन से दूसरे कौन से वो रद्द नहीं कर रही है। हमारी मांग यही रहेगी कि डेपुटेशन को रद्द किया जाए और हमारी जो वर्तमान सरकार है बीजेपी सरकार उसका ये कहना है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, परंतु मुझे उनकी ये बात बिल्कुल गलत लग रही है। हमारे कॉलेज में तेलका कॉलेज में लगभग 90% छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आती हैं, परंतु जो हमारे शिक्षक हैं उनकी डेपुटेशन भलाई कॉलेज में लगा दी जाती है जिसके कारण हमारी पढ़ाई है बीच में रुक जाती है। इसलिए मेरी वर्तमान सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे अध्यापकों की डेप्टेशन रद्द कर दी जाए। बी कॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरी प्रदेश सरकार से यही मांग है कि हमारे कॉलेज में जैसे यहाँ हमारे कॉलेज में कॉमर्स के सिर्फ एक ही अध्यापक हैं और अगले साल हमारे दूसरा बैच भी आ जाएगा, तो जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत ही फर्क पड़ेगा। वहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की दोनों क्लास लगेगी, तो इसके लिए हमारे टीचर की बहुत ही कमी है और हमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की दोनों की पढ़ाइयों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और सरकार से मेरी यही मांग है कि हमें अध्यापकों के रिक्त पद को भरें। धन्यवाद। अभिलाष शर्मा, इकाई अध्यक्ष तेलका। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तेलका इकाई द्वारा महाविद्यालय में तालाबंदी की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि विद्यार्थी परिषद हिमाचल प्रदेश ने अपनी जायज मांगों को रखा था प्रदेश सरकार व एचपी प्रशासन के समक्ष, लेकिन उन मांगों को एचपी प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया, जिसके कारण एबीवीपी को पूरे हिमाचल प्रदेश में तालाबंदी करनी पड़ी। एबीवीपी छात्र हित और राष्ट्र हित में कार्य करने वाली एक छात्र संगठन है और जब जब छात्र हित का हनन हुआ है तब तक एबीवीपी ने आवाज उठाई है और एबीवीपी छात्र हित का हनन कभी नहीं सहन कर सकती। एबीवीपी तेलका कई दिनों से मांग कर रही है कि जो एबीवीपी तेलका महाविद्यालय में जो चल रही समस्याएं हैं उनको हल किया जाए, उनको उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जाए, लेकिन प्रदेश सरकार और एचयू प्रशासन और उच्च शिक्षा निदेशक महोदय जी जो हमारी मांगे हैं उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा है, जिसके कारण एबीवीपी तेलका जो लगभग 2 महीनों से आंदोलनात्मक रुख अपना चुकी है। एबीवीपी की पहली डिमांड है कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के जो प्राध्यापक है उनकी जो डेपुटेशन है जल्दी से जल्दी रद्द की जाए, लेकिन उच्च शिक्षा निदेशक का इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। दूसरी समस्या एबीवीपी की यह है कि राजकीय महाविद्यालय तेलका के भवन का निर्माण जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए ताकि जो हमारी क्लासें बाहर लग रही हैं या फिर किसी अन्य स्थानों में लग रही हैं वो जो है जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से हम अपने महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर पाए, क्योंकि उसकी वजह से हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तीसरी समस्या ऐसे चल रही है कि राजकीय महाविद्यालय तेलका में जैसे कई प्राध्यापकों के रिक्त पद चल रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री का अध्यापक का पद जो रिक्त चल रहा है, कॉमर्स के प्राध्यापकों के रिक्त पद चल रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। प्रदेश सरकार और एचपी प्रशासन से यही मांग की है कि भाई जो हमारी ये समस्याएं हैं इनका हल किया जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि जो राजकीय महाविद्यालय तेलका खोला गया था तो उस समय केवल एक प्रधानाचार्य के सहारे जो था पूरा का पूरा कॉलेज चल रहा था और जिसके कारण कुछ जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई जो काफी डिस्टर्ब हुई है, कुछ छात्रों की पिछली भी जो सपनियां फंसी हुई हैं उसको भी निकालने में समय लगेगा। ये सपनियां प्रदेश सरकार की कमियों की वजह से लगी हैं, एचयू प्रशासन की कमियों की वजह से लगी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें समय पर अध्यापक उपलब्ध नहीं करवाया जिसकी वजह से हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो प्रदेश सरकार और एचयू प्रशासन से हमारी विनम्र अभी भी हम विनम्र होकर प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी समस्याओं का हल करे, अन्यथा एबीवीपी प्रदेश सरकार का पुतला जलाने पर विवश हो जाएगी और प्रदेश सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।